रामलीला संस्थान के दोबारा किया गया कैलेंडर का विमोचन। कोसीकला में रामलीला संस्थान के महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संस्थान के कैलेंडर के विमोचन के साथ कार्यक्रमों की घोषणा की गई। 10 अक्टूबर को झंडा पूजन की सवारी निकाली जाएगी। उत्तर भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला 25 अक्टूबर को होगा। सोमवार को हाईवे स्थित अग्रवाटिका में आयोजित कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि गिरिराज प्रसाद जैन, सतीश जैन, अनिल गुप्ता, महेश गुप्ता, मनोज मंगला सहित मिला आचार्य मूरमुकुट शास्त्री, लीला निर्देशक सत्यनारायण पुरोहित, अध्यक्ष ठाकुर हरेंद्र सिंह, मंत्री मुकेश जैन, विजय अग्रारिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कैलेंडर का विमोचन कर रामलीला के कार्यक्रमों की घोषणा की। मेला कमेटी के अध्यक्ष हरेंद्र ठाकुर ने बताया कि 10 अक्टूबर को झंडा पूजन, 12 अक्टूबर रावण महाराज की सवारी, 13 को गणेश सवारी तथा नारद मूल लीला का मंचन शुरू होगा। 17 अक्टूबर को राम बारात एवं भरत मिलाप चौक पर भव्य जनकपुरी सजाई जाएगी। मुकेश जैन ने बताया कि 22 अक्टूबर को मेला गोमती सरोवर पर आयोजित किया जाएगा, जहां डोंगरा लीला एवं भगवती मंदिर पर लंका दहन, 23 को रात्रि में मां काली की रौद्र रूप की सवारी एवं अहिरावण वध लीला, 24 को विजयदशमी पर्व पर अनाज मंडी परिसर में भव्य दशहरा मेला एवं रावण के पुतले का दहन होगा। 25 अक्टूबर को उत्तर भारत का प्रसिद्ध भरत मिलाप मेला होगा। मोचन किया गया है और आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहते हैं, क्या जानकारी? देखिए, ये जो रामलीला संस्थान है, करीब 200 साल पहले स्थापित हुई थी और ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 200 साल से कोई मेला कंटिन्यूसली चल रहा है और न केवल वो चल रहा है बल्कि उसके जो भी मानक स्थापित किए गए थे उस टाइम वो मानकों पर आज भी खरा उतर रहा है। हमारे यहाँ पर जो भी रामलीला के पात्र बनते हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एवं माता सीता और हनुमान जी, ये सभी लोग ब्राह्मण होते हैं और जब इनका श्रृंगार हो जाता है तो इनमें आप समझ लो कि भगवान की ही छवि होती है। और हमारे यहाँ पर ये रामलीला का जो मंचन है वो मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि ये पूरा का पूरा मेला धार्मिक दृष्टि से ही देखा जाता है। आज आज हमारा जो आप वर्ष 2023 के रामलीला महोत्सव का आगाज हुआ है कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम के साथ, जिसमें आज हमारा कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। इसके बाद आगामी 10 अक्टूबर को हमारा झंडा पूजन का कार्यक्रम है, 17 तारीख को हमारी राम बारात है, उसके बाद 23 तारीख को माँ काली का और कुंभ वध है, 24 तारीख का दशहरा है और 25 तारीख को ऐतिहासिक का मेला है।